अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो और नामांकन के बाद पीएम मोदी आज भाजपा की तीन विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे और ये रैलियां कन्नौज, हरदोई और सीतापुर में होगी। चढ़ते चुनावी पारे के बीच तापमान के 40 डिग्री के पार जाने का भी ख्याल पार्टी को है और लिहाजा मोदी सबसे पहले कन्नौज से रैली का आगाज करेंगे। यहाँ डीएन कॉलेज के निकट अन्नपूर्णा मेला मैदान और तिवरा में पहली जनसभा को संबोधित करने के बाद वे हरदोई के सीएसएनपीजी कॉलेज और फिर दोपहर सीतापुर में आरएमपी इंटर कॉलेज के सामने मिलिट्री ग्रास फार्म मैदान में रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। हरदोई में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी उनके साथ रहेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्नौज और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर में मोदी के साथ मंच को साझा करेंगे। आज चौथे चरण के प्रचार का अंतिम दिन है और भाजपा की आज एक साथ तीन विजय संकल्प रैलियों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। चौथे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन और इसी के तहत पीएम मोदी एक साथ तीन विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। हरदोई, सीतापुरा और कन्नौज में पीएम आज रैली को संबोधित करेंगे। चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है और इसी के तहत चौथे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। लोकसभा चुनाव का रण अब शुरू हो चुका है और इस शुरुआत में चौथे चरण के चुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन पीएम मोदी एक साथ तीन विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी हरदोई, सीतापुरा और कन्नौज में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। भाजपा की आज तीन विजय संकल्प रैलियां होंगी, पहली हरदोई में, दूसरी सीतापुरा और उसके बाद कन्नौज में पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। पीएम मोदी आज एक साथ तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे, चूंकि आज चौथे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और इसी के तहत अंतिम तैयारी करके पीएम मोदी आज एक साथ तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा हरदोई में, दूसरी जनसभा सीतापुर में और वहीं तीसरी जनसभा कन्नौज में होगी और उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच साझा करेंगे। कल पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद आज तीन सभाओं को संबोधित करेंगे।